अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम मौजूद हैं मुंबई के धर्म चश्मे पर, तो यहाँ का रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कितना कदीम ये है और मज़ीद आगे आके क्रोकोडाइल मगरमच्छ वगैरह का भी रिव्यू करेंगे, मज़ार का भी करेंगे, कुछ पुराने कमरे हैं उनका भी करेंगे। लेकिन यहाँ से पहले कुछ यहाँ से पहले वीडियो रिव्यू करते हैं और कुछ लोगों से भी उनसे डिस्कस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अकबर? यहाँ साइड पर आइएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि इसके चश्मे के बारे में बताएं कि कितने सालों से है इसके, अभी तक माशा गर्म है, गर्म चेक किया पानी को, पानी ये पानी अभी तक बिल्कुल गर्म है, तो कहाँ का इसके पॉइंट है ये? ये मैंने पीछे भी देखे हैं और ना ये आगे भी देखें, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताए। इसके बारे में ये जैसा ये अम्मा जवानी से यहाँ पर काम कर रहा है ना, सही है? मतलब हम यहाँ आए, ये अम्मा जवानी से यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसा 155 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, सही ना? अम्मा ने दुनिया अपनी ज़िंदगी यहीं पे गुजारा है, सही ना? ये पानी 70 बीमारी के लिए, लोग पागल नहीं अपना घर बार छोड़ के आते हैं यहाँ पे नहाने के लिए, आदमी ये पानी में सफा है तो ना कर जा रहे हैं ना। ये अम्मा से बात कर रहे हैं, बोलो अम्मा बताइए कितने सालों से आप यहाँ पे हैं? इधर यहाँ कितने साल है? यहाँ पे 55 साल से आप हैं? 55 साल है, मजदूरी करते हैं बाबू जी। ठीक है, और अपना कितनी उम्र है आपकी? हमारा पता नहीं, 155 साल है, पता नहीं है। 125 साल उम्र है, 125 साल उम्र है। ऐसा होता है शायद, जिंदगी देने वाला नहीं है, फेट मंगता है, अल्लाह देने वाला। ठीक है, मजदूरी करता है इधर, गवर्नमेंट हमको नहीं देता है, दुनिया को देते है, सोना वाला को देते है, हमको नहीं देता। ठीक है माँ जी। अच्छा, और कुछ बताइएगा इसके चश्मे के बारे में, थोड़ा आइए थोड़ा सा देखिए। जैसा लोग, ठीक है माँ जी, अभी कर दीजिए। जैसा लोग यहाँ पे आते नहाते जाते, आदमी 70 बीमारी के लिए पानी लेते, इसी को सफा मिलता है तो लोग आते हैं ना। ठीक है, अच्छा ये पानी के बारे में दिखाइएगा थोड़ा सा पानी, आइए वहाँ चलते हैं देखते हैं। पहले देखो ये बोर पिछले से ये पानी आ रहा है, देखो मोटर चल रहा है पानी की, ये पानी बिल्कुल साफ है, शीशे की जैसे समझ, ये बिल्कुल गर्म पानी है, बिल्कुल गर्म पानी है भाई, ये पानी बिल्कुल पीछे की तरह से पानी का रंग है। अच्छा ठीक है, तो उसकी टाइमिंग क्या है? ये 24 घंटे चलते रहता है? नहीं, ये सुबह 6 बजे खुलते हैं, मगरिब के आज़ान के बाद पानी होता है, इतवार खुलते हैं 8 बजे तक। अच्छा, टाइमिंग वगैरह आते हैं तो उसके नाल से। ठीक है, अच्छा और कुछ बताएंगे इसके अलावा, इस पॉइंट के अलावा और भी कोई दिखा दें आगे पीछे? माँ जी ठीक है, हमें मिलते हैं आपसे। अच्छा लगे जी माँ जी, हो गया सब जी जी, जैसे बना देना अभी आप इतना फ्रेश है, उसके बाद जिन्हें कम ऑफर करें दिन 12 बजे में ऑफर करें तो जियो वाला है। और कहाँ के दिखा रहे हैं बोलो भाई? अच्छा, यहाँ की कुछ मिट्टी के बारे में, कुछ मिट्टी पड़ी है यहाँ पे, इसके बारे में क्या? अस्सलाम वालेकुम, ये किस किस्म की मिट्टी है? ये असल गंदक का मिट्टी है, चश्मे का बारिश दाना एलर्जी दाग सिंबल उसके लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। अच्छा, जिसको ज़रूरत होता है वो ले जाते हैं। ठीक है, मतलब ज़रूर है ये असल गंदक का। अच्छा, और क्या अभी कुछ दिखा रहे हैं अंदर? ये गर्म चश्मे जो जो चश्मा है ये 300-400 साल पुराना चश्मा है, जहाँ से पूरा मंगा पीर पानी पीता था। अच्छा हाँ, ये 300-400 साल इसको हो गए, हो गया है, यहाँ से जो पूरा मंगा पीर पानी पीता था, 1981 में अपडम सप्लाई हुआ, उसके बाद ये पानी पीना यहाँ से बंद हो गया, क्योंकि घरों में नल लग गए, सहूलतें मिल गए, इस वजह से जो है ना ये पानी खुश्क हो गया। अभी नहीं नहीं, खुश्क होने का वजह ये है कि 40-50 बोर लगे हुए हैं ये ऊपर के हिस्से में, जैसा याकूब शाह बस्ती हो गया, उमर गोट हो गया, मरी गोट हो गया, बंगाली पाड़ा हो गया, इस तरफ जो है ना पूरा जो है ना चारों तरफ जो है ना ये बोर लगे, फिर मदरसे में 2-3 बोर लगे, इस वजह से ये पानी नीचे चला गया, तो नीचे जाने के वजह से ये पानी जो है ना खुश्क हो गया। तो ये कितनी ये पुरानी जगह, ये जो सामने आ ये तो काफी खंडर लग रहा है, पुराना लग रहा है, ये कम से कम 200-300 साल पुराना चश्मा है। अच्छा, ये जो है ना अभी का नहीं है, पूरा मंगा पीर यहाँ से पानी पीता था उस जमाने में। अच्छा, क्योंकि अपडेम 1981 में सप्लाई हुआ। ठीक है, आइए आइए, ये नहाने का। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, पहले तो मेरे पीछे तो बड़े बड़े पॉइंट है। हाँ, ये छोटा सा पॉइंट है, ये नहाने का जगह, ये पुराना जगह सर। ठीक है, यहाँ पे जो है ना तो बच्चे नहाते हैं। अच्छा, मकामी लोग यहाँ पे नहाते ज्यादातर, तो ये भी काफी पुराने लग रहे हैं सारे जगह। देखो ये पत्थर के ये दीवार है, ये देख रहे हैं ये सामने पत्थर के दीवार, ये पुराने जगह, लेकिन ये जो है ना
ठीक है सर, और कौन सा विजिट करेंगे, और क्या दिखाएंगे? बस ये चीज़, गर्म पानी अगर बंद होएगा तो ये पानी यहाँ पे आ जाएगा, गर्म अच्छा। पानी बंद नहीं होगा, पानी नहीं आएगा। सही है, ये पानी बिल्कुल और नीचे चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 500 बोर लगे हैं, उस बोर के वजह से जो है ना हमारे साथ ये मुश्किल हो रहा है। चलें ठीक है, ये भी इंशाल्लाह आला काम तक ये बात पहुँच जाएगी। वैसे जो भी देखेगा हम लोग बेटे में कदीमी बंदे अभी बाप दादे नाने यहाँ पे चलाते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कम से कम 1920-1925 से हम बॉयज इसमें चलाते हैं। ठीक है ठीक है माशाल्लाह। इसमें एक ये टेम था कि हिंदू अलग नाते थे, मुसलमान अलग नाते थे, सही सही समझ में। अब हमारे साथ ये हो रहा है कि पानी नहीं, वेटिंग एरिया ये कुछ शॉपिंग की जगह भी यहाँ से आप कुछ चीज़ें परचेज कर सकते हैं। लाल शहबाज कलंदर बहुत पुराना लग रही है। क्या ले सर? ठीक है, हरिये से शकरगंज, उसका मजार बना हुआ है, आपको नेकी दे, शेरशाह बाबा का मजार है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो आप पीछे सामने हजरत शेरशाह बाबा का मजार है, ठीक है, यहाँ से चंद कदमों पे बाबा फरीद शकरगंज का आस्थाना बना हुआ है। वो कहाँ पे? नीचे, ठीक है। तो यहाँ के हम मुकामी हैं, सारा हमें यही मालूम है कि गर्म पानी अल्लाह की तरफ से चल रहा है, चल रहा है, अब तक तो चल रहा है। चले माशाल्लाह, मैंने देखा है काफ़ी अभी तक वैसे ही है माशाल्लाह से। इसके चश्मे का जो है ठेका भी हमारे अपने भतीजों के पास है। अच्छा माशाल्लाह। तो गड्ढा टाउन मुर्तजा बलोच ने जो तामीर किया हुआ, ठीक है, इससे पहले के चल रहे हैं, मतलब ये टाउन के हाथ में टाउन चला रहे हैं। सही है, अभी थोड़ा गर्म चीज़, नीचे दूसरे पॉइंट को भी विजिट कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप ठीक है, इज्जत सही है। शेर शाह बादशाह, गज़ल बुखारी, कादरी कलंदरी। पानी रुका हुआ, बंद क्यों हुआ? क्या बंद? इस वजह से एक तो सफाई नहीं, दूसरी है। जो है बोरिंग किया हुआ है, बोरिंग का पानी आ रहा है, कोई तवज्जो नहीं है। ठीक है, तवज्जो के हिसाब से जो है इसमें यही आप देख रहे हो, बराबर में पैप लगे हैं, बोर किया हुआ है तो बोर से निकालते हैं, टंकी भरते हैं, अच्छा। टंकियाँ भरते हैं बाहर कड़े ऊपर इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए। अच्छा, और उनके बराबर में जो है लेडीज़ का है। सही, लेडीज़ का अभी आपको विज़िट करा देते हैं। चले आइए। सही है ना? ठीक है, इसने कोशिश किया था गौर का, आधे रास्ते में छोड़ दिया गया। अच्छा, ये यही रुक गया काम। ठीक है, चले। ये चश्मा
ये गर्म चश्मे मैंने अभी चेक किया, काफी अभी तक गर्म पानी है। चले बिल्कुल अभी तक गर्म पानी है, मैं शिक्षकों में गर्म पानी विजिट कर सकूँगा। ये स्विमिंग पूल बिल्कुल गर्म पानी का, सही बिल्कुल गर्म है ना, ये भी बिल्कुल मिक्स, अच्छा मिक्स किया हुआ ये पानी, लोग नहाने के लिए जगह स्विमिंग पूल बनाई है। ये 1939 के बने हुए जगह साहब का भी तस्वीर बना आपको, मीर मुर्तजा का। हाँ जी जी सर का है। जलील शाह बाबा मस्त, अंदर जाके ज़ियारत कर लेते हैं मज़ार के अंदर जाते हैं। खिदमतगार हैं देखिए चीनी तरह था ठीक है। नक्शा सियाहत है ये भी शायद आपका काम आ सके। ये तो पूरा नक्शा है ना, चलें अंदर देख लेते हैं। कुछ तारीख के बारे में बताइए, इनके बारे में कुछ है मालूम? तारीख है अच्छा, तो ये बता सकते हैं खलीफा या नहीं? ठीक है, हम आए हुए इलाके के, उन्होंने इलाके से हमें बुलाया गया, तो मैंने सही जगह का लफा शुक्रिया, ये बता रहे थे जो भी अस्थाने हैं हम अस्थाने को दिखा रहे हैं, तो बेहतर जानते हो उनके तारीखें सब किताबें, जैसे लाल शाहबाज कलंदर की तारीखें ठीक है ये भी आप लोगों को पता है, और बाबा फरीद शकरगंज की तारीखें वो भी आप लोगों को पता है, तो बताएं हम क्या बताएं, तो ठीक ज़्यादा ही आप लोग समझो, हम कम बताएंगे आप ज़्यादा समझो। चलें ठीक है, यहाँ के एक दफ़ा विजिट कर लेते फिर ये मंगोपीर का कदीम कब्रिस्तान, कदीम कब्रिस्तान जी, तो आप देख सकते हैं कहाँ से है ये चश्मा था, अच्छा चश्मा डाल के बंद हो गया ठीक है, यहाँ से आपको इधर खड़ा था तो कब्रिस्तान पे तो पूरा पट्टी आप देख लोगे, अच्छा ठीक है। पानी
देखते हैं हम, बहुत ही कदीम कब्रिस्तान है ये। ये सारे इस तरह के कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान दिखा रहा है ये भी कदीम। गर्म चश्मा तो पूरा देख लिया है, ये भी देख लिया है, आगे अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो आपको दिखा दिए। तो हम जा रहे हैं आज वहाँ के।